हम सभी प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं, तो कभी कुछ अधूरा रह जाता है, तो कुछ भूल हो जाती है, कभी कुछ हानि हो जाती है, और फिर उस भूल उस हानि के अनुभव की पीड़ा तले हम दब जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा होना तो स्वाभाविक है। यदि ऐसा है तो तनिक सूर्य की ओर देखिए, वो प्रतिदिन अंधकार से लड़ता है और हर रात्रि के पश्चात एक नई ऊर्जा, एक नए तेज के साथ उदित होता है। तो क्यों ना आप भी अपने जीवन की बीती पुरानी बुरी बातों को भुलाकर अपना प्रत्येक दिन नई ऊर्जा, नए जीवन की तरह प्रारंभ करें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा और आनंददायी भी। क्षमा कीजिए माता, मैं आपको निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाया। आज्ञा दीजिए। नहीं पार्थ, समय अभी शेष है। सूर्य अस्त नहीं, राहु का उदय था। ये तो सूर्य ग्रहण है। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है। सैव धर्मः धर्मः देश काले प्रतिष्ठितः सुरक्षा पंक्ति। सदैव धर्मः सो धर्मः देश काले प्रतिष्ठितः अराजमानं हिंसा धर्मो गावस्ति कल्पितः। सदैव धर्मः सो धर्मः देश काले प्रतिष्ठितः अराजमानं हिंसा धर्मो गावस्ति कल्पितः। अराजमानं शर्पिलास्त्र पाक
क्षेत्र अर्जुन, जयद्रथ का वध तो तुमने कर दिया, परंतु अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाओगे तुम, हैं? जिस क्षण इस जयद्रथ का सर धरा पर गिरेगा, उसी क्षण तुम्हारे सर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे अर्जुन। विजय पाकर भी हार गए अर्जुन। और सबसे बड़ी हार किसकी हुई है जानते हो? हैं? तुम्हारे उस छलिए की। आज अंत अर्जुन का नहीं होगा गांधार राज, आज अंत तुम्हारी कुटिलता का होगा। क्षत्र नहीं, उठना मत। धर्म की काट के लिए धर्म को कुचक्र की नहीं कौशल की आवश्यकता पड़ती है गांधार राज। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। कवच कोई भी होकर किंतु सदा अधर्म की रक्षा नहीं कर सकता। एक न एक दिन धर्म का बाण उसे भेद ही देता है। का आज का दिन समाप्त हुआ। तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया पार्थ, अब चलो अभिमन्यु को विदा करो।
धन्यवाद माँ। नहीं पांचाली, माता को धन्यवाद अभी नहीं। जयद्रथ का वध केवल प्रारंभ है, अभी तो उन सब का वध शेष है जिन्होंने घेर कर छल पूर्वक मेरे पुत्र की हत्या की। माता यज्ञ सेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। शांतिपूर्वक विदा लो वीर, धन्य हूं मैं कि मेरा कहीं ना कहीं तुमसे रक्त संबंध है। प्रेही प्रेही पति भी पूर्वे भी यत्रा ना पूर्वे पीतर पर्युः भूमराजना स्वधया वरुणम। आज आप सब धन्य हो गए। शूरवीर अभिमन्यु के नाम से इतिहास में सदा आप सबका नाम भी स्मरण किया जाएगा। और जो जिस मंतव्य के लिए आता है उसे एक न एक दिन संसार से जाना ही होता है, और जो जिस मंतव्य से आता है वो उसे पूर्ण करके अपने गंतव्य तक पहुंचकर अपनी जीवन यात्रा सफल बनाता है। अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई है पार्थ, अभिमन्यु मुक्त हुआ है विजय के साथ, शौर्य के साथ। अपने इस क्षण को अपनी दुर्बलता मत बनाना पार्थ। अपनी शक्ति बनाना। अर्जुन की वजह नहीं हमारे मुख पर मारा गया थप्पड़, सारे
सारी कौरव सेना के सामने अर्जुन वो कर गया जिसकी उसने शपथ ली थी, और हम खड़े खड़े देखते रह गए। अच्छा है, अच्छा हुआ आपको अपनी दुर्बलता और अर्जुन के तेज का अनुमान हो गया। अब क्या करेंगे युवराज? युद्ध छोड़कर समर्पण का मन तो नहीं है आपका? बस भद्रराज बस। अब यदि एक भी अपशब्द कहा चेष्ट के विषय में तो उचित नहीं होगा। तुमने कौन से तीर चला दिए? उस अर्जुन के समक्ष दो पल नहीं खड़े रह सके तुम, दो पल। तुम जैसे भीरवों की हमारे शिविर में कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी तो इच्छा ही नहीं थी कि तुम्हारे पक्ष में सम्मिलित हूं। छल करके ये तुम्हारा जेश मुझे यहां लाया था दुशासन। संपूर्ण बल से मैंने युद्ध किया, मैं जा रहा हूं यहां से और दोबारा यहां पग नहीं रखूंगा। सर्वप्रथम आप अपना संयम धारण कीजिए महाराज शल्य। आरंभ सबकी हुई है और अभी आपस में बहस करके हम अपने शत्रु को और भी अधिक बलशाली बना देंगे। स्मरण रखिएगा इस बात का। शत्रु तो प्रबल है ही आचार्य, परंतु यहां उपस्थित अधिकतर लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये मूर्खता और अभिमान से भरे पड़े हैं। आज तो अर्जुन और कृष्ण की सम्मिलित शक्ति देखी, आज तो इसका प्रारंभ हुआ है, और ये शक्ति कितना विध्वंस करने वाली है इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अरे जो युद्ध से पहले ही शत्रुओं से भयभीत हो जाए वो विजय कैसे दिला सकता है? शांत हो जाओ दुशासन, हमारा वास्तविक शत्रु तो वो छलिया कृष्ण है जो मेरी हर चाल को पलट देता है, हर चाल को। माना कि आज हमने बहुत कुछ खो दिया है, परंतु उस पर रोने से अधिक श्रेयस्कर तो उसका प्रतिशोध लेना है। प्रतिशोध अभी। अभी से आपका क्या तात्पर्य है गांधार राज? सूर्यास्त हो चुका है। कदाचित आप भूल रहे हैं, नियम एक ये भी था कि सूर्यास्त के पश्चात भी मशालों के प्रकाश में युद्ध किया जा सकता है, स्मरण है ना आपको? परंतु नियम नियम क्या थे क्या नहीं, अब उसका कोई महत्व नहीं आता है। 11 अपने 11 भाई खोए हैं मैंने, अब मुझे केवल प्रतिशोध चाहिए। वासुदेव कृष्ण ने छल ना किया होता तो आज जयद्रथ नहीं उस अर्जुन की चिता चल रही होती। कुछ चिताएं उनकी भी जलनी आवश्यक है। हम अभी आक्रमण करेंगे। मैं कर्ण को संदेश भिजवाता हूं। कर्ण इस समय शिविर में नहीं है दुशासन, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ। पांडव पुत्रों मैं आ रहा हूं। रुक जाओ, ये समय खेल खेलने का नहीं है वृषाली। Gare gare ga pade ga sare 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 ga pade
तुम जानते थे कि ये मैं हूँ? हम बचपन से मित्र हैं प्रशाल, ना ही मैं तुम्हारी हस्तलिपि भूल सकता हूँ और ना ही तुम्हारे बाणों का वेधन। तुम्हारे बाण अधिक तीव्र हो गए हैं, तुम्हारा लक्ष्य वेद अधिक सटीक हो गया है, परंतु तुम्हारी हस्तलिपि में कोई सुधार नहीं। बदले तो तुम भी नहीं हो कर्ण, मुस्कुराना तुमने अब भी नहीं सीखा। जीवन के हर क्षण के आश्चर्य में मुस्कुराहट खो गई है वृषाली, अब ये आश्चर्य भी तो देखो, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मिलेंगे, ऐसे युद्ध भूमि में। एक बार पुनः सोच लो दुर्योधन, रात्रि के समय युद्ध कर सकते हैं परंतु छिपकर प्रहार करना उचित नहीं है, ये युद्ध के नियम के विरुद्ध है और विजय प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। और ये मत भूलो कि अर्जुन रात्रि में प्रहार करने में सक्षम है। बिल्कुल उचित कहा आचार्य द्रोण आपने, बिल्कुल उचित। अर्जुन सरलता से रात्रि में लक्ष्य भेद कर सकता है परंतु अन्य पांडव नहीं। और अर्जुन इस समय अपने पुत्र के शव के पास है और जब तक शेष पांडवों को हमारे आक्रमण का भान होगा तब तक हम उन्हें अपूर्णीय क्षति पहुंचा चुके होंगे आचार्य। आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ और स्मरण रहे मेरे आदेश के पालन से पूर्व लौटना नहीं है। लौटना नहीं है, समझ गए? कोलहाल कैसा ये सब क्या है? ये आक्रमण है, ये कौरवों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए हम पे आक्रमण कर दिया है, हमें उन्हें उत्तर देना होगा। सावधान सैनिकों, उत्तरा सायता द्रौपदी पादश्री अर्जुन तुम वहीं रुको। तुम्हारे मन में ये प्रश्न होंगे कि मैं यहाँ इस भांति क्यों आई। भुगत क्रम में सुना मैंने कि तुम्हारा कवच और कुंडल तुमसे छीन लिया गया। वृषसेन का भी समाचार मिला, इसीलिए मैं स्वयं को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाई। किंतु तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार को इससे कोई आपत्ति नहीं? विवाह नहीं किया मैंने। और परिवार के नाम पर मेरे बाल मित्र कर्ण के अतिरिक्त कोई और बचा नहीं। हाँ, अगर तुम्हें आपत्ति है तो मुझे बोल दो, मैं यहां से लौट जाऊंगी। लौटना तो मैं चाहता हूं, हमारे बचपन में
उदाहरण है तुम्हें कि किस भांति तुम मैं और शोन साथ में समय व्यतीत करते थे। और आज देखो हम यहां खड़े हैं। समझना कठिन है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे अंदर ये प्रश्न आता देख मुझे आश्चर्य होता है कर्ण। तुम ही कहते थे ना कर्ण कि मनुष्य जितना समर्थ बनता है समाज के प्रति उसके कर्तव्य उतने बढ़ते चले जाते हैं। जितना बड़ा कर्तव्य उसे पूर्ण करने के लिए उतनी ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मुझे विश्वास है तुम पर कि तुम किसी भी पीड़ा और किसी भी बाधा का सामना कर सकते हो कर्ण। परंतु ये स्मरण रहे कि आज तुम जहां हो यहां पहुंचने के लिए तुमने जीवन में कई त्याग किए हैं। और मुझे ये भी विश्वास है कि तुम्हारे ये सारे त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस संसार में तुम जिस उद्देश्य से आए हो कर्ण वो सारे उद्देश्य तुम्हें पूर्ण करने हैं। इस बात कि ये संसार सदा तुम्हें स्मरण रखे। अंगराज कर्ण कहाँ है आप? अंगराज सत्य से चलिए प्रयोधन इस प्रकार रात्रि में आक्रमण करके तुमने अपनी सीमा पार कर दी है। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं शिविर में नहीं। युद्ध चाहिए तो युद्ध भूमि में युद्ध करो। हाँ तो भयभीत कौन है? ये दुर्योधन ने उचित नहीं किया। सत्यसेन तुम वृषाली को सुरक्षित शिविर पहुंचाओ और मैं कुरुक्षेत्र पहुंचता हूं। अचानक आक्रमण से हमारे सैनिकों को क्षति पहुंची है।
कुछ कीजिए आचार्य, मेरे रथ संकट में है, कुछ कीजिए। आचार्य क्या करेंगे दुर्योधन, करना तो अब मुझे है। रात्रि का समय माया युद्ध का होता है और इसी क्षण के लिए मैंने एक गुप्त अस्त्र छुपा कर रखा था। प्रकट हो जाओ अम्बलूस। Ha 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 ha